स्वागत है। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। राजकुमार बडोले अपने मोरगा अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र में विफल तो साबित हुए हैं, लेकिन वे उनके गृह ग्राम में भी विफल साबित हुए हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं सड़क अर्जुनी के लोग। हम लोग इस वक्त मौजूद है सड़क अर्जुनी ग्राम में। यह ग्राम नगर पंचायत का ही ग्राम है। लगभग यह जो सड़क अर्जुनी का प्रभाग क्रमांक 6 है, यह क्षेत्र में हम अभी लोगों से चर्चा करने आए कि यहाँ इसी गांव के जो विधायक है और पूर्व अपने महाराष्ट्र राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री रह चुके हैं राजकुमार बडोले, उन्होंने इस सड़क अर्जुनी के 6 प्रभाग में क्या क्या काम किए हैं, क्योंकि यह उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र का इलाका आता है। तो अभी मेरे साथ कुछ आप पीछे देख रहे हैं, जैसे गांव वाले जुड़े हैं, मैं उन लोगों से चर्चा करूंगा कि उन्होंने क्या क्या विकासात्मक योजना इस गांव वालों को दी है और क्या क्या उनके प्रगति के लिए, यानी उनको शिक्षा हो गई, साथ ही साथ उनको रोजगार हो गया, ये क्या क्या साधन उन्होंने अभी तक के मुहैया कराए, इस पर हम गाँव वालों से भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? वासुदेव वंशाराम खेटकर। हाँ खेटकर जी, बताइए आपके इस गांव में राजकुमार बडोले जी ने क्या क्या योजनाएं आपके तरफ दी? वार्ड नंबर 6 में राजकुमार बडोले की निधि से ये रोड बना हुआ है। अच्छा, नहीं मैं आपको एक बता देता हूँ कि जो सीमेंट के रास्ते होते हैं या नालियाँ होती है, बिजली के खंभे होते हैं, यह विकास नहीं है, यह मूलभूत गरज की यह है, यानी उपयोग की चीज़ें हैं जिसमें सड़क पर हर कोई चलेगा। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके बाद शौचालय हो गया, उसके बाद रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, स्कॉलरशिप हो गई बच्चों को, और किसान सम्मान योजना हो गई, किसान के खेती के जो औजार होते हैं, बीज बियाने होते हैं, यह सारी चीज़ें विकास में आती है, ये चीज़ें नहीं आती। ठीक है, तो आपका जो सड़क है यह विकास नहीं कहलाएगा। तो आप बताइए कि आपके गांव में कितने किसानों को बीज मुहैया कराया गया ये सरकार ने? ये पंचायत समिति से बीज चना दिया है। नहीं, कब दिया? अभी तो धान के बीज नहीं दिए हमारे पास, कई लोगों के पहले का नहीं, अभी हम चर्चा कर रहे हैं इस वर्ष की। तो इसी वर्ष में चना दिया? अच्छा, चना दिया, धान की बिजाई, धान की बिजाई भी कृषि केंद्र। कितने फर्टिलाइजर को, कितने फर्टिलाइजर इनको बांटे गए हैं, पंचायत समिति या कृषि विभाग के? ये तो मालूम नहीं, लेकिन कृषि विभाग से मिले हैं। उसके बाद बताइए कि कितने खेती के औजार मुहैया हुए हैं? खेती के औजार यानी वो जो कल्टीवेटर होता है वगैरह, जो सारी चीजें होती है ना खेती के लिए, वो कितनी? अच्छा बताइए, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कितने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको मकान मुहैया किए गए? मकान अभी वो नगर पंचायत में उसकी मकानों की पूरी यादी आई है, 40,000 चल रही है। अभी चालू नहीं, यानी किसी को नहीं, दिया नहीं गया है अभी, चालू दिया गया नहीं है नगर पंचायत जो है, लेकिन 40,000 के हिसाब से 2.5 वर्ष हो चुके हैं नगर पंचायत को। तो ये 2.5 वर्षों में गांव वालों को नगर पंचायत में अभी तक के प्रावधान नहीं किया गया था कि इनको घर का, प्रधानमंत्री आवास योजना का, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में कहा जा रहा है 2022 में हर किसी को घर मिलेगा। ये हर रेडियो चैनल पर और हर चीज पर वो हर इसमें ऐड आ रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना का। तो आपके गांव में तो एक भी इधर हमको देखने में आया कि किसी को भी नहीं मिला है, घरकुल नहीं मिला है। रमाबाई योजना से घरकुल मिले, रमाबाई से जो योजना से मिले हैं वो शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिले हैं, लेकिन ओपन कैटेगरी को नहीं मिले। ओपन कैटेगरी को किसी को मिले हुए नहीं है, लेकिन वो उसके। अच्छा, आपके गांव में रोजगार की क्या, यानी मनरेगा के कामों में कितने लोगों को रोजगार मिला? रोजगार तो अभी कितने दिन मिल पाया रोजगार? क्या वो 100 दिन का था, वो मिल नहीं पाया? नहीं, 100 दिन का तो पिछली सरकार ने वादा किया था, ये सरकार ने नहीं किया था, वो नहीं मिल पाया। इन्होंने अभी कितना दिया? नहीं, अभी रोजगार अभी का काम नहीं मिला। तो किसानों के पास, यानी जो रोजगार करने वाले, उनके जेब में पैसा नहीं है, क्योंकि 10 दिन काम चलता है तो लगभग उनके जेब में 1100 रुपए होते हैं, और 1100 रुपए में साल नहीं निकलेगा, आपको भी पता है और मुझे भी पता है ना। तो विकास हुआ क्या लगता है आपको? विकास तो वैसा नहीं हुआ, लेकिन वही विकास पे ही हम चर्चा कर रहे हैं। तो विकास हुआ लगता है आपको कि बडोले साहब ने आपके क्षेत्र का विकास किया है? विकास किया है बार में। तो बताइए ना क्या विकास है आपके यहाँ का, विकास बताइए। हमारे यहाँ पर अभी विकास यानी यही है कि अभी रोजगार तो यह मिला नहीं, रोजगार नहीं मिला है, रोजगार हमें योजना ही नहीं मिली। कितने बच्चों को, आपके जो बच्चे होते हैं इन लोगों का, कितनों को स्कॉलरशिप के माध्यम से बाहर पढ़ने का मौका मिला यहाँ के क्षेत्र में? वो पढ़ाई के हिसाब से कोई परसेंट में बैठे नहीं, उनको नहीं मिला है। अच्छा, नहीं मिल पाया। क्या नाम है आपका? खुशहाल प्रधान। प्रधान जी बताइए, आपके गांव में विकास हुआ लग रहा है आपको? विकास तो हुआ है। कैसे हुआ है? 75%। कैसा हुआ है 75%? क्योंकि गांव की सड़क, नहीं सड़कें विकास में नहीं आती, वो नहीं आती, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में नहीं आता, लेकिन
यानी कौन घरकुल योजना मिली है? घरकुल योजना अभी आ गई। अच्छा, अभी इस वर्ष आई है? हाँ, मिलने वाले हैं, मिलने वाले। अच्छा, आपके गांव में किसानों को कर्ज वाटअप हुआ है? कुछ वाटअप हुआ है, लेकिन कर्ज माफी वगैरह नहीं, हमारे को नहीं मिला। अच्छा, आपको नहीं मिला? नहीं मिला है। तो फिर किसी, आपका विकास किसी, कैसे हुआ? किसी किसी को मिला है। आपका विकास कैसे हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ आपका? नहीं, नहीं। यानी आप मानते आपका विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र शाह। शाह जी, बताइए, पूछना है वो बोल दो लेना। अच्छा, जो भी बोलना, हर प्रश्न का उत्तर। तो शारे जी बताइए, विकास हुआ है लग रहा है आपको? हाँ लग रहा है। कैसे हुआ है? हिसाब से हुआ है। अच्छा, हिसाब से हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। और अलग, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रामू गनू। गजबे जी बताइए, आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पीने के पानी की समस्या है, नालियों की स्वच्छता समस्या है, क्या समस्या है? पानी की समस्या बराबर अभी। अच्छा, और किसानों को पानी वगैरह मिलता है आपके गाँव में? सबको मिलता है। अच्छा, पीने का पानी? पीने का पानी भी मिलता है। फिल्टर है पानी? फिल्टर भी मिलता है। फिल्टर होता है हमारे? फिल्टर नहीं है। नहीं है आपका? नहीं। अच्छा, स्वास्थ्य सेवा में कैसा है ना? आप अस्पताल जाते हैं, सरकारी अस्पताल, तो आपको डॉक्टर वगैरह मुहैया होते हैं? सरकारी अस्पताल में अपन गए नहीं, तो प्राइवेट में जाना पड़ता है। हाँ, प्राइवेट में जाते हैं। यानी डॉक्टर नहीं रहता? डॉक्टर क्या है, वहाँ यहाँ के डॉक्टर बोलते हैं, वहाँ गोलियां। क्या नाम है आपका? दिनेश वागधरे। वागधरे जी बताइए, आपके इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? यानी राशन है, या राशन दुकान से राशन नहीं मिल रहा है, या फिर आपको रोजगार हमी के काम नहीं मिल पाए, या शिक्षा के कोई जो भी है, स्वास्थ्य सेवा वगैरह, क्या है? ये तो पूरा कुछ भी नहीं मिल रहा हमको। ये कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं। क्या राशन दुकानदार राशन नहीं देता? 6-7 साल हो गए कार्ड बने, तो राशन नहीं मिल रहा है यहाँ पे, अब तक राशन नहीं मिल रहा है। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके गांव में कितने लोगों को सरकारी लाभ मिला है, जैसा जनधन योजना वगैरह का, किसान सम्मान योजना का? जनधन इसका ये लाभ तो मेरे को दिखा नहीं। किसी ने लोन वगैरह लिया है यहाँ? हाँ, लोन, मुद्रा लोन वगैरह? लोन, हाँ, मुद्रा लोन उठाए अपनी समाजों ने। अच्छा, उनको मिला हुआ है? अच्छा, यहाँ क्या लगता है कि विकास हुआ है लगता है आपको? नहीं नहीं नहीं, विकास नहीं हुआ है। नहीं। अच्छा, राजकुमार बडोले साहब, आपको क्या विधायक सक्रिय लगते की निष्क्रिय लगते हैं? अब क्या है, वो सक्रिय है कि निष्क्रिय, नहीं बताइए, विकास के मामले में बताइए, क्योंकि आपके गाँव का मुद्दा है ये। नहीं बराबर है ना, विकास तो उतना खास दिख रहा नहीं, दिख नहीं रहा है, यानी निष्क्रिय है। निष्क्रिय, निष्क्रिय। अच्छा, मुझे अभी हमने कई गांव वालों से यहाँ चर्चा की है, जिस चर्चा में हमें यह देखने में आया है कि यहाँ के लोगों को बहुत सारी चीज़ों से नदारत रहे हैं। जैसे यहाँ 7 साल हो गए हैं, उनको राशन का कार्ड बना हुआ है, लेकिन राशन कार्ड नहीं मिला हुआ है, राशन नहीं मिल रहा है। उसके बाद यहाँ जैसे अस्पताल में जब वो जाते हैं, सरकारी अस्पताल में, तो डॉक्टर्स नहीं रहते, दवाइयाँ नहीं रहती, ऐसी कई स्वास्थ्य सेवा के लिए भी लाभ से यहाँ के लोग वंचित हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ शिक्षा के जो साधन हैं वह भी यहाँ काफ़ी वंचित रहे हैं, और लगभग पानी की जो समस्या है, जैसे हम हर गाँव जाते हैं तो सबसे पहले पानी की समस्या पर चर्चा करते हैं, क्योंकि शुद्ध पानी, शुद्ध जल पीने के लिए देना या मुहैया कराना, यह सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, और उसी में ही यहाँ पानी का जो फिल्टर वगैरह है वो नहीं होता, जिससे अशुद्ध पानी पीकर यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य भी खराब हो रहे हैं। लगभग हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी है, महिलाओं का कहना है कि चुनाव का जब दौर आता है, इसी दौर में यहाँ केवल विकास दिखता है, बाकी इसमें कभी विकास नहीं दिखता। क्या आप, क्या समस्या थी आपकी? क्या आप, हमारे गाँव में कोई काम धंधे चालू नहीं, गरीब लोग मर रहे, काश्तकार वाले मस्त खा रहे। अच्छा, हाँ? आपके पास काश्तकारी नहीं है क्या? नहीं है, हम ठल्ले। तो आप जो मजदूरी वगैरह करते हैं वही है, तो यहाँ कोई इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है? नहीं है, नहीं है। यहाँ कोई कारखाना वगैरह नहीं, नहीं है? नहीं है। अच्छा, आपके गांव में रोजगार हमी के काम कितने चले? ये अभी कहाँ चले जी, 2-3 साल अभी ये नगर पंचायत बनी, जब से तो एक भी काम नहीं है। नगर पंचायत बनी तब से कोई काम नहीं है लगभग? नगर गरीब इंसान ने क्या खाना चाहिए, भूखे मरना चाहिए क्या? तो स्वस्थ राशन दुकान होती, सरकारी राशन, वहाँ से राशन वगैरह मिलता है? राशन मिलता है क्या? 20 किलो चावल मिलते थे, इतने परिवार को होते के 20 किलो चावल। अच्छा, 20 किलो चावल मिल पाता है आप लोगों को? हाँ। अच्छा, और क्या लगता है कि आपके यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, उन्होंने आपका विकास किया कि नहीं किया? आमदार ने यहाँ का विकास किया कि नहीं किया? काय का विकास किया? अभी तो कुछ भी नहीं किए। क्या किए? क्या रोड बनाए होंगे? बस रोड नहीं तो क्या बनाए, बाकी और कुछ नहीं किया? कुछ नहीं बनाए। लगभग यहाँ महिलाओं का ऐसा कहना है कि रोजगार की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, और समस्या में यहाँ रोजगार, डबला पानी पी रहे, यानी यहाँ प्यूरिफायर नहीं है, वाटर प्यूरिफायर नहीं है। कहाँ का वाटर ना उठा है, कुछ भी नहीं है यहाँ, है ना, सब गंदा पानी पी रहे, गंदा पानी पी रहे। अभी भी तुम नल में देखो तो पूरा गंदा पानी है। अच्छा, गंदा पानी है। लगभग इस गांव में पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है। चुनाव आते तक अच्छे बोलते हैं, नहीं हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे ना, फिर कहाँ का कुछ भी नहीं। हाँ, मस्त लोगों को पोवे पिलाते हैं, ना औरता को कुछ भी नहीं।
यानी लगभग हर जगह एक ही समस्या बनी हुई है कि विकास कोसों दूर है। लगभग यह गांव के लोग, यहां के गांव के लोग जो गंदा पानी है, जो पीने का पानी है, वो वाटर प्यूरिफायर के अभाव में बहुत काफ़ी दूषित पानी पी रहे हैं। लगभग गांव में रोजगार के साधन नदारद हैं। ऐसे सिचुएशन में यहां के लोगों को जीवन यापन करना काफ़ी दिक्कतों भरा हो रहा है। हम लोग इस वक्त मौजूद है सड़क अर्जुनी ग्राम का, यह पुरानी बस्ती इलाका है और यह गुजरी चौक के नाम से फेमस है और यह तिड़का रोड कहलाया जाता है। यह इलाका जो है वो काफ़ी पुराना इलाका है। जैसे कि आप मेरे पीछे वगैरह जो घर देख रहे हैं, ये पुराने घर है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना नदारद है। जैसा कि मैंने आपको वहाँ बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना से किसी को भी लाभ नहीं मिला है, वैसे ही आप मेरे पीछे जो घर देख रहे हैं पुराने ही मकान है और पुराना इलाका है। अब इस इलाके में हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, जो कि इस राज्य के पूर्व सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री रह चुके हैं, तो उन्होंने इस गाँव का क्या विकास किया है, उस विकास पर मैं गाँव वालों से चर्चा करूँगा। क्या नाम है आपका? सादिक शेख। सादिक शेख जी, बताइए आपके गाँव में क्या क्या योजनाएँ आई है, यानी शिक्षा की या फिर रोजगार वगैरह की? रोजगार की तो कोई योजना ही नहीं आई अभी तक, कोई योजना नहीं आई है। कभी आपके गांव में विधायक ने बेरोजगारों को लेकर कोई मेड़ावा वगैरह, जो रोजगार उत्पन्न कराने का, ऐसा कुछ लिया है उन्होंने? हाँ, किया है क्या? हाँ, मेड़ावा। तो उसके माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिल पाया, कुछ है आइडिया? नहीं, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? ओम गाने। ओम गाने जी, बताइए आपका ये जो गांव है, इस गांव में क्या विकास हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। विकास कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। अच्छा, आप बताइए आपके गांव में क्या क्या विकास हुआ है? क्या नाम है आपका? विकास पागल हो गया है। विकास पागल हो गया है, ये नाम है क्या आपका? आपका नाम? मेरा नाम अतीक है। अच्छा, आपका नाम अतीक है, तो अपने यहाँ का जो विकास है वो पागल हो चुका है, क्योंकि विकास दिख नहीं रहा है। नहीं, विकास पागल हो गया है। अच्छा, विकास पागल हो गया। क्या लगता है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, वो इस गांव को अनदेखा करते हैं क्या? 10 साल से इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। कोई काम नहीं, कुछ किया काम नहीं, जो कि अभी तक, जो कि अभी सरकार में मंत्री रहने के बाद भी ऐसा कुछ काम नहीं किया है। सिर्फ मेड़ावे लिए है, सब कुछ किया है, पर ऐसा किसी को कुछ फायदा नहीं मिला, किसी को कोई फायदा नहीं मिल पाया। अच्छा, इस गाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह कुछ मिली? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, इस गाँव में मनरेगा के काम कितने दिन चले? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चल, कुछ भी नहीं चल। यानी आपको लगता है कि यहाँ के जो विधायक है, स्थानीय विधायक, पूरा अंधकार में चल रहा है? निष्क्रिय विधायक है, पूरा निष्क्रिय, निष्क्रिय विधायक। क्या नाम है आपका? अमीन शेख। अमीन शेख जी, बताइए आपके जो इलाका है, ये जो गुजरी चौक बोलते हैं, इसको विकास की राह में विधायक ला पाए हैं या नहीं ला पाए? नहीं, नहीं ला पाए, नहीं ला पाए, नहीं है विकास, इधर विकास ही नहीं हो पाया है। अच्छा, रोजगार का क्या साधन है आपका? रोजगार तो क्या, हम ड्राइवर आदमी, हमको तो रोजगार के बारे में मालूम ही नहीं पड़ता। अच्छा, यानी बेरोजगार, आप ड्राइवर की करते हैं तो आपको वो उसी से आमदनी होती है, ठीक है, लेकिन आपके भाई वगैरह जो है उनको? नहीं नहीं, उनको कोई साधन कुछ नहीं मिल पाया। क्या नाम है आपका? सुबूर सौदागर। सौदागर जी, बताइए आपके एरिया के जो विधायक है, वो इस राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री भी रह चुके हैं, पांच साल रह चुके हैं, और उसके पहले वो विधायक भी रह चुके हैं, तो ऐसी सिचुएशन में 10 सालों में उन्होंने क्या क्या विकास किया है? इस कुछ भी नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। तो आपको क्या लगता है, वो निष्क्रिय विधायक है? बिल्कुल खत्म हो गया, खत्म विधायक है। क्या नाम है आप? आसिफ अहमद। आसिफ अहमद जी, बताइए आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास? जावेद शेख सड़क अर्जुनी, हाँ, हमारे गाँव के पालक मंत्री, हाँ, उन्हें कुछ भी नहीं किया, घर कुल आपको देते करके, हाँ, हाँ, मंत्री बन गए, पहले आमदार साहब बन गए, हाँ, उसके बाद में एक भी काम नहीं किए। अच्छा, रोकदार ऐसे थे बिचारे, गरीब आदमी ऐसे, हाँ, घूम रहा लावरी देश, हाँ, उन्हें कुछ भी नहीं किए। यानी आपको लगता है कि यहाँ का विकास हुआ नहीं है? घर कुल देंगे, अच्छा, देंगे बोले उन्होंने, वोट के लिए घर कुल देंगे, अच्छा, वोट तो मिल ही गया, घर कुल कहाँ आया? एक घर भी आया होगा तो बताओ मेरे को, घर नहीं आया। किसको आया? मुझे एक बात बताइए, जैसे यहाँ स्कॉलरशिप वगैरह बच्चों को कुछ मिली है? स्कॉलरशिप क्या मिली है, वो जब से जो था अपना, उसके पहले क्या नाम है आपका, आप उसका नाम क्या था? नहीं नहीं नहीं, रुकना यार, अपना अच्छे तो वो क्या नाम है, मैं बताता, जो भी होगा, उसकी इसमें स्कॉलरशिप बच्चों को, मियां भाई कर रहे, हिंदू समाज कर रहे, कोई भी रहे, अच्छा, उसको मिलता था, उनको सबको मिलता था, अभी सब बनी कर दिए। अच्छा, सब बंद हो गया है अभी, हा? तो उसके लिए हम क्या करें अभी? यानी आपके यहाँ स्कॉलरशिप वगैरह जो बच्चों के बाद में चुनने के लिए, सुनो, चुनने के लिए, आने के लिए घर कुल देंगे, गरीब का कौल हटाओ घर बनाओ। अच्छा, किसका घोल, किसका घर? अच्छा, अभी घर नहीं बने अभी, सुनो सुनो ना, घर नहीं बने, कौल किसका हटाना, सलाब बन गया मेरे को, ये बताओ बोला आप? नहीं तो दिखे नहीं हमको भी, वही हम वही पूछ रहे हैं हम कि आपको कि यहाँ क्या हुआ है विकास? कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है यहाँ के कर ही नहीं सकते, निष्क्रिय है क्या यहाँ के? ये कर ही नहीं सकते, निष्क्रिय विधायक है यहाँ के? हाँ,
क्या नाम है आपका? आसिफ अहमद। आसिफ जी बताइए, रोजगार के साधन में यहाँ के विधायक ने आपके लिए क्या क्या किया? कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया जी, नहीं। आपको क्या लगता है वो विधायक सक्रिय की निष्क्रिय? नहीं, निष्क्रिय। निष्क्रिय विधायक जी। लगभग अभी हम जिन जिन लोगों से चर्चा की है उन्होंने हमें ये बताया कि यहाँ जो विकास के जो गति है वो बहुत धीमी गति है, यानी यहाँ विकास नहीं के बराबर हुआ है। लगभग यहाँ विकास के जो कोई साधन है जैसे रोजगार के साधन है या यहाँ जो योजना है सरकार की ओर से वो नदारद है। ऐसी सिचुएशन में कई यहाँ की जो स्थितियाँ है वो गंभीर है। मैं कैमरामैन नीलेश पश्चिने के साथ निशांत भाई। ऐसा ही कुछ नजारा परसोड़ी ग्राम में देखने को मिला। ऐसे है हमारे पूर्व राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री जो कि इस राज्य के मंत्री रह चुके हैं और उनका विधानसभा क्षेत्र का यह है हाल। हम लोग इस वक्त मोरगांव अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र का यह गांव है परसोड़ी, सड़क परसोड़ी के नाम से इस गांव को पहचाना जाता है। यह गांव धार्मिक क्षेत्र का गांव है क्योंकि जिस वक्त जिस चौक में हम लोग खड़े हैं यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर भी है और अभी यहाँ दुर्गा मूर्ति की स्थापना का भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लगभग ये गांव सारे समुदाय को लेकर चलने वाला एक गाँव है, ऐसा पहले नज़र में हमें देखने में आया है। अब यह गाँव सड़क अर्जुनी से जो तालुका का और शहर जो सड़क अर्जुनी गांव है उससे महज ये 5 से 7 किलोमीटर दूर गांव है, 3 किलोमीटर दूर गांव है। अब ये 3 किलोमीटर गांव में यहाँ के जो इस राज्य के महाराष्ट्र राज्य के पूर्व जो सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री है और वो इस विधानसभा क्षेत्र के खुद विधायक भी है, ऐसे गांव के विकास के बारे में हम गांव वालों से चर्चा करेंगे कि उनके माध्यम से इस गांव का क्या क्या विकास हुआ है। विकास में हम उनसे जानेंगे कि यहां रोजगार के क्या साधन है, खेती के पानी के बारे में हम लोगों से चर्चा करेंगे कि यहां फसल को सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था की गई है, यहां पीने के पानी पर चर्चा करेंगे और यहां की सबसे ज़रूरत जो चीज़ें हैं कि यहां स्थानीय लोगों को कितना रोजगार मिला और स्किल डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। मेरे साथ आप देख रहे हैं काफ़ी गाँव वाले जमा हुए हैं। बताइए आपका क्या नाम है? बोधराज के और रामजी कोरे। कोरे जी बताइए आपके गाँव में पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? व्यवस्था ठीक है, पीने के पानी की। आरओ वगैरह लगा है? नहीं। तो फिर पीने की पानी की व्यवस्था कैसी है बोल रहे आप? अच्छी नल योजना जो है उसमें आप वो नल योजना के पानी से पीते हैं वो पानी को? हो, पीते। अच्छा, वो फिल्टर वगैरह होता है? फिल्टर नहीं। तो यानी आप, ये तो बड़ी समस्या हो गई है क्योंकि पानी, शुद्ध पानी देना जनता को यह इस क्षेत्र के विधायक की सबसे बड़ी जरूरतमंद चीज में आता है वो, ठीक है। तो आपके गांव में पीने के पानी में फिल्टर नहीं है? नहीं। अच्छा, शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था है आपके गांव में? शिक्षा में यानी टीचर वगैरह रहते हैं यहाँ? स्कूल वगैरह नहीं, 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 कोई नहीं, नहीं रहता टीचर, कोई नहीं रहते यहाँ, यानी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो आपकी खराब है। अच्छा, अस्पताल अप डाउन करते हैं? कितने बजे आते हैं वो लोग? कितने बजे? 10:30 बजे। 10:30 बजे आते हैं। टीचर यहाँ स्थायी तौर पे नहीं रहते? स्थायी नहीं रहता, टीचर नहीं रहता स्थायी में, एक भी नहीं रहते, जबकि उनका यहाँ रहना जरूरी रहता है क्योंकि शाम को वो अगर जो बच्चों को वो टीचर, अगर पहले के जमाने में टीचर गाँव में ही रहते थे और अपने घर पर बुलाकर वो उनको और पढ़ाते थे, अभी वैसी प्रथा नहीं रह गई है, है ना। क्या नाम है आपका? चंदू कावड़े। कावड़े जी बताइए आपके गाँव में रोजगार हमी के काम कितने दिन चल पाए? तो नहीं हुए इस साल, कुछ भी नहीं चला? नहीं, पिछली सरकार ने वादा किया था, पिछली जो सरकार थी भाजपा के पहले की, उसने 100 दिन का रोजगार दिया था। तो अब ये सरकार ने आपको कितने दिन का काम दिया? इस साल तो काम ही नहीं चले बोले? नहीं, काम ही नहीं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक है यहाँ के क्षेत्र के विकास में सफल है कि असफल है? असफल है। असफल विधायक है। क्या नाम है आपका? इतने है। नाम क्या है आपका? अरुण कोरे। अरुण कोरे नाम है। आपका क्या नाम है? सदस्य हत्ती मारे। हत्ती मारे जी बताइए आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ है? मेरा 10वीं। 10वीं तक आप पढ़े हैं, यानी आपने उस समय काफी अच्छा एजुकेशन लिया हुआ है क्योंकि उस दौरान लोग कम पढ़ाव करते थे क्योंकि चौथी की बोर्ड की एग्जाम होती थी। आप बताइए आपके क्लासमेट में कौन कौन थे, साथ में कौन कौन? क्लासमेट में अर्जुनी के बहुत सारे थे। अच्छा, हाँ, वो राजकुमार बडोले हमारे साथ पढ़ा। अच्छा। वो ब क्लास में पढ़ा। हाँ। हम क्लास में पढ़े। क्लास में आप? हाँ हाँ। यानी अभी हमारे साथ जो जुड़े हैं ये बडोले साहब जो इस क्षेत्र के विधायक हैं उन्हीं के साथ इन्होंने एजुकेशन लिया हुआ है और ये 10वीं तक के पढ़े हुए हैं। अच्छा, बताइए आप कभी उनके पास कोई समस्या लेके गए तो उन्होंने समाधान किया आपका? समस्या लेके मैंने गया ही नहीं उसके पास। अच्छा, गए नहीं? अच्छा, गए नहीं। नहीं,
अच्छा, आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी बात एक ये है कि रोजगार क्या है? रोजगार तो ये साल में रोजगार तो हुआ ही नहीं, कोई रोजगार हुआ नहीं, रोजगार हुआ नहीं, नहीं। हमारे गांव की ये नल योजना की लाइन भी कट गई कल से। यानी आपका जो नल योजना है वो लाइन कट गई, लाइन कट गई है। पानी आज पानी कम मिल गया, कल कल मिलता है कि तो मालूम नहीं। यानी सबसे बड़ा पीने के पानी की आपके गांव में बहुत बड़ी समस्या, बहुत बहुत समस्या। यहाँ किसानी के लिए कोई योजना वगैरह जो जैसा कि यहाँ कोई वाटर पंप है ना ये दिया गया हो, कुएं दिए वगैरह कुछ नहीं? नहीं, अभी ये साल में कुछ किसी को नहीं। वो पुराना जो है स्ट्रक्चर, पुराना चालू है, वैसा ही चालू है। और बडोले साहब ने हमारे गाँव को कोई योगदान दिया नहीं, पूरा निसफल काम है उसका। अच्छा, धान का बोनस नहीं मिला बारिश का, इस साल बोनस भी नहीं मिला है। नहीं मिला ना, बारिश आगे लोगों को मिला, आगे लोगों को नहीं मिला। अच्छा, मिल रहा है, कोई चालू है। चुनाव के पहले मिला, वो मिला 6000 रुपए सरकार ने जो बोले, हाँ वो 6000 मिलने को थे। अच्छा, 6000 अब तक के यानी जो किसान सम्मान योजना थी, बोनस भी नहीं मिला, बोनस नहीं मिला। अच्छा सुनिए ना, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके महज 3 किलोमीटर दूर यानी इस राज्य के सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री भी रहते थे, अभी वो विधायक है आपके। विधायक आपने उनको इसलिए चुन के दिया कि आप इतने लोग जाकर विधान भवन में अपनी बात नहीं रख सकते करके एक अपना उम्मीदवार अपन चुनते हैं, ताकि अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी उनके गांव है उन गांव वालों की समस्याओं को हल करें। शिक्षा संबंधित हो, बच्चों की शिक्षा, जैसे उनको स्कॉलरशिप देना, ये सारी चीज़ों के उनके पीछे के काम होते हैं जो विकासात्मक काम होते हैं। हम सड़क नाली और ये जो बिजली के खंभे, इन पर विषय चर्चा नहीं, क्योंकि ये मूलभूत गरजों में आता है। यानी वो तो सड़क बनाना ही बनाना है उन्हें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ये कोई विकास नहीं होता। विकास होता है कि क्षेत्र में रोजगार के साधन क्या मुहैया कराए गए, ये सबसे बड़ी। यानी कैसा है सिलाई मशीन जो स्किल डेवलपमेंट है, यानी आपके एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा दिया गया, ये सारी चीज़ों पर। तो यहाँ एग्रीकल्चर में किसी लोगों को कोई साधन मिले हैं? जैसे कुछ नहीं, ट्रैक्टर अनुदान में दिया गया है और क्या बोलते कल्टीवेटर वगैरह, ऐसे कोई जो साधन? अच्छा, इस गाँव में अभी किसान कौन कौन है? अच्छा, किसानों से मेरा एक सवाल है कि आपके जो खेती के लिए बीज मुहैया कराए थे आपको, यानी किसान को जैसे बीज देती है सरकार, मिले हैं क्या? कितने लोगों को मिले? हमने दुकान से लिए। फर्टिलाइजर जो खाद वगैरह होती है, दवाइयाँ वगैरह, वो भी नहीं मिले? किसानी के औजार वगैरह जैसे पंचायत समिति से या कृषि विभाग से? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, फिर बताइए आपके पास जो किसानी, कितना एकड़ है आपके पास? 2 एकड़। तो ये 2 एकड़ में आपको कितनी लागत लगी? 20,000 रुपए आपको लागत। ये आपने क्या लोन लिया कि अपने जेब के पैसे लगाए? अपने घर से लगाए, घर से ही लगाए हैं। यानी मेहनत करके ही आपने पैसा लगाया, यानी सरकार की ओर से आपको कोई चीजें साधन कोई नहीं मिल पाए? कुछ नहीं। अच्छा, जानकारी भी नहीं देते? जो कृषि अधिकारी है वो भी जानकारी नहीं देता। अच्छा, गांव में आता है, एक दो को मिलता है। अच्छा, आपके गांव में, यह 3 किलोमीटर दूर है, तो जो यहां के स्थानीय विधायक है वो कितनी दफा आए हैं? एक भी दफा नहीं है। 10 साल हो गए। हाँ, एक भी दफा नहीं है। 10 साल हो गए तो चुनाव के दिन आते हैं। अच्छा, मतलब एक बार जो चक्कर लगाते, हाँ, एक बार आते यहाँ खड़े हो जाते, 5-10 मिनट रुकते, भाग जाते, तो दूसरे चुनाव के तरफ दिखते हो, दूसरे चुनाव के में ही दिखते हैं। हाँ, बस जब तक आए नहीं अभी। अरे पहले साल में 2 बार आए। अच्छा, एक बार पहली चुनाव लड़ी तभी आए, दूसरा चुनाव हुआ तभी आए, तब से अभी तक दर्शन नहीं उनका। तब से उनके कोई दर्शन नहीं, दर्शन ही नहीं हुए उनके। लगभग देखिए, मेरे साथ जो किसान खड़े हैं, किसान भाई है सारे लोग, और किसानों के लिए सरकार कहती है कि हम उन्हें बीज मुहैया कराते हैं, खाद मुहैया कराते हैं, और कृषि के औजार भी हम उन्हें अनुदान पर देते हैं। लेकिन इन गांवों में जब ज़मीनी तौर पर हम जाकर अगर जब उनका उनसे पूछताछ करते हैं, तो लोगों का कहना यह है कि ये सारी योजनाओं की जानकारियाँ तक के कृषि विभाग हो या पंचायत समिति का कृषि विभाग हो, वो उन्हें नहीं देते। तो इस तरीके से इस देश में या इस विधानसभा में यहाँ का विकास जो है वो काफ़ी कम मात्रा में हो पा रहा है, और जो भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, जो सड़कें वगैरह बनी हैं, ये पुरानी है और नया कुछ भी यहाँ डेवलपमेंट किया नहीं गया है। लगभग किसानों ने अपने जेब की यानी जो मेहनत की पैसे कहीं वो जाते हैं, रोजी पर जाते हैं, उनके पैसों को इकट्ठा करके वो अपनी 2 एकड़ काश्तकारी को सींचने का काम करते हैं। अब उन्होंने तो 4 महीने के लिए पैसे अपने 20,000 रुपये लगा दिए, अब किसान भाइयों के पास पैसा नदारत है। यानी आने वाले त्यौहार जो है वो उनके लिए केवल एक खुशी
खुशियों का मौसम न लेते हुए वो उन्हें एक दुख भरा, यानी जब त्यौहार मनाए जाएंगे, अभी दुर्गा पूजा रहेगी या फिर अभी गणेश जी गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में किसानों के जेब में पैसे नहीं होते, सिर्फ दूर से देखकर वो उस त्यौहारों को मनाए जैसा अपने आप को महसूस करते हैं। लगभग यही आलम हर विधानसभा क्षेत्र में हमें देखने मिला, खासतौर पर जब सामाजिक न्याय विभाग के यहाँ मंत्री जो खुद 3 किलोमीटर दूर पर रहते थे, राज्य की उनके तरफ बागडोर थी और वो 3 किलोमीटर गांव में अपनी जो योजनाएं हैं या वहाँ जो भी विकासात्मक कार्य करने हैं उसमें वो गांव वालों के कहे अनुसार वो सफल नहीं रहे, वो असफल रहे। लगभग आप बताइए मुझे, आपके पास अभी आमदनी के क्या साधन है? आमदनी के हम कम अपनी खेती में से जो देव जो होते हैं हो, वही रहेगा, वही, यानी आप उसी में के चावल को आप खाएंगे भी और बेचकर बस उसी होता है, उसी में आप सारी चीजें करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, विकासात्मक कार्यों में यहाँ आपको क्या लगता है कि बडोले साहब ने क्या क्या करके देना चाहिए था? नहीं नहीं, क्या क्या करके देना चाहिए था उन्होंने, यानी आपको आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या खेती के लिए क्या डेवलपमेंट करना था? सिंचन व्यवस्था उन्होंने करनी थी, पानी फिल्टर वगैरह का ये कराना था, और क्या लगता है कि आपको कि और क्या करना चाहिए था उन्होंने? अच्छा दवाई का पंप होना, जैसा जो अभी वो तुड़तुड़ा लग रहा है, खोरकिला लग रहा है, उसकी दवाई होना। पहले पंचायत समिति में दवाई आती थी, अभी दवाई नहीं आ रही। अभी ये रेंगे पर परसुड़ी रोड है तो वहाँ से जाने आने का भी 2 फुट गड़न है। अच्छा, यानी वहाँ चलना आना जाना बंद है, कुछ लोग पूरे गांव को कुछ ही नहीं है। अच्छा, अभी ये 10 साल में उन्होंने एक भी कौड़ी का काम नहीं किया उसने। अच्छा, तो आपको क्या लगता है वो सक्रिय विधायक है? नहीं नहीं नहीं, निष्क्रिय है वो, निष्क्रिय है वो। जैसे कि गांव वालों ने अभी हमें बताया कि यहाँ के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो निष्क्रिय तौर पर इन लोगों को ये तरफ ध्यान नहीं देते, तो उन्हें निष्क्रिय तौर पर लगते हैं। योजनाएं कुछ भी चल नहीं रही है और योजनाएं जो पुरानी योजनाएं थी वो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, जिसके चलते गाँव वालों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमारे गाँव में शौचालय बने हुए हैं। अच्छा, 12,000 रुपये, फिर उनका क्या हुआ है? उनके अभी तक बिल नहीं निकले, यानी अभी तक के आपको पैसा नहीं मिला? पैसा नहीं मिला। तो आपने वो जो शौचालय वो अपने पैसे से बना लिया? अपने पैसे से बनाया, यानी आपकी जो मेहनत की कमाई थी वो आपने लगा ली, और लेकिन अभी आपको वो पैसा नहीं दे पा रहे? नहीं दे पा रहे। अच्छा, यानी 6 महीने हो गए हैं और वो तो ये सारा है ना, आपने अभी फिर आपके यहाँ सीमेंट वाला भी पैसे मांगने आता होगा, लोहा वाला, सीट वाला, सभी की प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि मिस्त्री भी आपसे पैसा मांग रहा होगा। तो यानी अभी लगभग कितने लोगों के बिल नहीं मिले? 72 लोग है। नहीं, 72 पूरे गांव के लोग नहीं मिले, पूरे गांव के हमारे गांव 72 लोगों के पैसे नहीं मिले। अच्छा, बिजली के बिल वगैरह माफ हुए किसानों? देखो बिजली का कैसा है, घर में हम बिजली लगाए, बिजली का ठीक आकार 300 रुपए ले रहे हैं, ठीक आकार 300 और बाकी का बिल अलग निकल रहे। अच्छा, तो 300 महीने में हम 300 ठीक आकार कैसे देंगे मीटर का? अच्छा, हर बार 300 ले रहे। अच्छा, पीने का पानी नहीं मिल रहा है गाँव में? पीने का पानी नहीं है, फ्री का पानी भी नहीं मिल रहा है। क्या ये ग्राम पंचायत कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है नाली का? अच्छा, पानी आता है वो 300 रुपए नहीं होने मारता है। हमारे गांव में 3 महीने हो गए। अच्छा, उनका वो इलेक्ट्रिक बिल है ना, वो भरे नहीं। अच्छा, इलेक्ट्रिक बिल नहीं भरे? हाँ, उनके वजह से वो काट दिए गए। अभी पानी का जो कनेक्शन चलाने वाली है वो काट गया, वो कट गया हुआ है, इसलिए बंद हो गया है। अच्छा, और क्या यहाँ जैसे कितने लोगों के इसके लोन माफ हुए क्राफ्ट के? नहीं, लोन तो माफ नहीं हुए। देखो घरकुल, सुनिए घरकुल के बारे में बताइए, आप जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं, सिर्फ ये सिर्फ 4 मिले अभी तक, 4 मिले हैं, चार ही लोगों को मिले हैं? नहीं, ये मिले। अच्छा, बाकी एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं। लगभग इस गांव वालों ने अभी हमें बताया कि यहां जो प्रधानमंत्री आवास की योजना है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अभी तक केवल 4 ही घर मिल पाए हैं और बाकी गांव वालों को कुछ भी नहीं मिला हुआ है। और जैसा भी अभी हमारे कुछ लोगों ने हमें बताया कि यहां के जो शौचालयों के जो बिल है वो लगभग 12,000 रुपए के हिसाब से उनके बाकी है, लगभग 72 लोगों के। अब उनके घर पर
अब वो 72 लोगों के घर पर वो जो मिस्त्री है जिसने वो शौचालय को निर्माण किया वो भी पैसा मांगने आ रहा है, सीमेंट जहाँ से उन्होंने जिस दुकान से लाए वो भी वो मांगने आ रहा है। अब लगभग आप इन गांव वालों के यहाँ पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। 3 महीने से बिजली का बिल नहीं भरने की वजह से यहाँ की पानी की जो टंकी का जो कनेक्शन है वो कट गया हुआ है, जिसके चलते गाँव वालों को पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। ऐसे कई समस्याओं को इस गाँव वाले फेस करते हुए इस गाँव में जीवन यापन का काम चल रहा है। लगभग ये गाँव में रोजगार की व्यवस्था नदारद है और ऐसी सिचुएशन में ये गांव वाले अब किससे यानी कौन अपने प्रतिनिधि को क्या बोले। अब जैसा कि इस गांव के जो सबसे नज़दीक में यहां के जो विधायक है वो सबसे नज़दीक गांव में रहते हैं, फिर भी इस गांव वालों की तरफ उनका देखने का जो नज़रिया है वो बिल्कुल भी बदल नहीं पाया है और इस गांव में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। लगभग गांव के लोग जो है वो अपना जीवन यापन बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में विधायक ने इन गाँव को देखना बहुत अनिवार्य था, लेकिन विधायक महोदय के पास इन गाँव वालों की समस्याओं को सुनने के लिए समय नहीं है और ऐसी सिचुएशन में ये गाँव वाले अब उनके साथ क्या करते हैं उन्हीं का विषय है, उनका भाग्य है। मैं कैमरामैन नीलेश पशिने के साथ निशांत भाई। MNS News लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद।